हमास युद्ध को करीब 8 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमास को सुरक्षा कवच देने के लिए उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर लेबनान का हिजबुल्ला युद्ध में कूद पड़ा है। वहीं इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर हूती भी बार बार इसराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला इस पूरे युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल हिजबुल्ला हमास युद्ध की शुरुआत से ही इसराइल के ऊपर गोला बारूद बरसा रहा है। हालांकि इसराइली सेना लेबनान से सीधे जंग का ऐलान करने के बजाय रक्षात्मक हमले कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइल को लेकर हिजबुल्ला के दिमाग में कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है, जिसका इशारा खुद हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने बातों ही बातों में दे दिया है। दरअसल नसरल्ला ने 26 मई 2024 को दिए अपने एक बयान में कहा कि पीएम नेतन्याहू को एक आश्चर्य की उम्मीद जरूर करनी चाहिए। दरअसल एक टीवी संबोधन के दौरान नसरल्ला ने कहा कि 8 अक्टूबर को प्रतिरोध ने तुम्हें हैरान कर दिया था, तुम्हें और ज्यादा आश्चर्य की उम्मीद करनी चाहिए। दरअसल हिजबुल्ला के इस बयान से करीब एक हफ्ता पहले नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल ने हिजबुल्ला के साथ डील तैयार कर ली है, जो महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि हैरान करने वाली योजना है। हालांकि नेतन्याहू ने कहा था कि वो दुश्मन के साथ इस योजना को साझा नहीं करेंगे। अपने 2 लक्ष्य का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता उत्तरी इसराइल में सुरक्षा को बहाल करने की है, जो लेबनान के साथ लगे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, और दूसरा विस्थापितों की दोबारा घर वापसी में मदद की है। वहीं हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नेतन्याहू एक मृत अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और विरोधी मोर्चे को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जीत की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें ना तो आपको धोखा और ना ही आपके आकाओं का दबाव आपकी मदद करेगा। नसरल्ला ने अपने इसी बयान में गाजा को लेकर भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम हमेशा तथ्यों को लेकर पारदर्शी रहे हैं कि जब भी हम युद्ध में उतरेंगे हमारे स्पष्ट उद्देश्य होंगे, और हमने पहले ही कहा है कि हमारा पहला उद्देश्य गाजा का समर्थन करना और दूसरा लेबनान के खिलाफ किसी भी आक्रामकता को रोकना होता है। वहीं लेबनान पर इसराइल के हमले को लेकर नसरल्ला ने इसराइली सेना की ताकत पर ही सवाल उठा दिया। इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री अविगदोर लिबरमैन के एक बयान का जिक्र करते हुए नसरल्ला ने नेतन्याहू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के पूर्व रक्षा मंत्री तक ने ये कह दिया था कि हबीबी किस सेना के दम पर आप दक्षिणी लेबनान में घुसने की योजना बना रहे हैं। इस सब के बीच आपको ये बता दें कि हिजबुल्ला शुरुआत से ही हमास का समर्थन करता आया है, और उसका कहना है कि गाजा में जब तक इजरायली फौज युद्ध नहीं रोकती तब तक वो इसराइल पर हमले जारी रखेगा। और बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के उत्तरी इसराइल पर हमले की वजह से वहां से हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और इस इलाके में बनी इसराइल की कई सैन्य चौकियां और हथियार तबाह हो चुके हैं।